कैसे हैं आप लोग सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब ठीक होंगे। आज मैं गोश्त की हैदराबादी कढ़ी बनाऊंगी जो बहुत ही मज़ेदार बनती है। चलें जी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने आधा किलो बीफ लिया है, इसको अच्छी तरह धो लिया था। दो मीडियम साइज़ की प्याज लिए, इसको बारीक काट लिए। एक कप में ऑयल लिए, थोड़ी इमली लिए, इसको भिगा दिए। थोड़े कड़ी पत्ता लिए, 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट लिए। आधा किलो टमाटर लिए, इसको धोकर काट लिए। ये कुछ स्पाइसेस लिए, 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर लिए, 1 टेबल स्पून सॉल्ट लिए, 1/2 टीस्पून हल्दी लिए, 1 टेबल स्पून कुटावा धनिया पाउडर लिए, इसको कूट लिए, 1 टेबल स्पून पिसावा ज़ीरा लिए, 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर लिए, 3-4 हरी मिर्चें लिए और थोड़ा सा धनिया लिया। भगोना मैंने मीडियम फ्लेम पे रख दिया है। भगोना हमारा गरम हो चुका है। अब मैं इसमें 1 कप ऑयल डालूँगी, इसमें प्याज शामिल करेंगे जो मैंने 2 मीडियम साइज़ की प्याज काट के रखी थी, इसमें शामिल कर लिए। अब इसमें बीफ शामिल कर लेंगे। बीफ मैंने हड्डियों वाला लिया है। 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे। जो कुछ स्पाइसेस लिए थे वो शामिल करेंगे। लाल मिर्च पाउडर, सॉल्ट आप अपने टेस्ट के लिहाज से कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे सारे मसाले शामिल करकर। अब इसमें 2 गिलास पानी शामिल करूंगी। और अब इसको मैं गोश्त को 20 मिनट तक के गलने के लिए ढाप के रख दूंगी। मिलते हैं 20 मिनट के बाद। देखें हमारे गोश्त को गलते हुए 20 मिनट हो चुके हैं। हमारा गोश्त अच्छी तरह से गल गया है। अब मैं इसमें टमाटर शामिल करूंगी। आधा किलो टमाटर शामिल कर लिए। देखें मैंने इसमें 1/2 गिलास पानी शामिल करा है। अब इसको हम ढाप के रख देंगे टमाटर गलने के लिए। देखें टमाटर हमारे अच्छे से गल चुके हैं। अब मैं इसको 2-3 मिनट तक के भून लेती हूँ टमाटर को अच्छी तरह। देखें 2-3 मिनट हो गए, हमारे टमाटर अच्छे से भुने गए हैं। अब मैं इसमें इमली की खटाई शामिल कर लूँगी। तो मैंने थोड़ी सी इमली भिगा दी थी, उसकी खटाई अब मैं इसमें शामिल कर लूँगी। अब इमली के पानी को अच्छी तरह से पकने देंगे। मैंने 1/2 प्याली पानी लिया है। अब इसमें मैं 4 टेबल स्पून बेसन शामिल करूँगी, या आप 2 बड़े चम्मच बेसन शामिल कर लें। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बेसन को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। देखिए हमने बेसन को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब इसमें कुछ मसाले शामिल करेंगे। मैंने धनिया पाउडर को ना कूट लिया था। अब इसमें धनिया पाउडर, गरम मसाला और पिसावा ज़ीरा सब शामिल करके इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम बेसन शामिल कर लेंगे। देखिए हमारा इमली का पानी भी अच्छी तरह से पक गया है। अब इसमें ये बेसन का पानी शामिल कर लेंगे, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे।
इसमें एक गिलास मैंने पानी ऐड करा है। अब इसमें कड़ी पत्ते शामिल कर लेंगे, धनिया हरी मिर्च शामिल कर लेंगे, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। एक गिलास और मैंने पानी ऐड करा है। अब इसको पकने देंगे थोड़ी देर। और कढ़ी हमारी ना ज़्यादा गाढ़ी होनी चाहिए और ना बिल्कुल पतली पानी होनी चाहिए। देखिए अब मैं इसको थोड़ी देर पका रही हूँ 10 मिनट तक के। अब इसको हल्की आंच पर ढाक रख देते हैं। देखिए 10 मिनट हो चुके हैं हमारी कढ़ी को पकते हुए। मैंने थाली हटा दी है, हमारी कढ़ी बिल्कुल तैयार है। मैं आपको डिश आउट करके बताती हूँ। देखिए हमारी मज़ेदार सी गोश्त की कढ़ी तैयार है, बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। इसको आप लोग रोटी के साथ खाएं, चावलों के साथ भी खा सकते हैं। और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को क्लिक करना नहीं भूलिएगा। उससे आपको मेरी हर नई वीडियो की अपडेट्स मिलती रहेगी। दुआओं में याद रखिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।